तो आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रोल्स रॉयस पोर्टेल। इस गाड़ी को लॉन्च हुए सिर्फ एक ही दिन हुए हैं, इसे रोल्स रॉयस की कंपनी ने बनाया है। रोल्स रॉयस ने कहा है कि ऐसी सिर्फ 3 गाड़ियाँ बनेंगी पूरी दुनिया में, पर रोल्स रॉयस ने इनके ओनर्स का नाम रिवील नहीं किया है। उसने कहा है कि इन गाड़ियों को सिर्फ खास उन्हीं के लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिन्होंने इसे ऑर्डर किया था। इसे इटली में बनाया जा रहा है, रोल्स रॉयस का प्लांट जो इटली में है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इसकी बात करें, शुरुआत करूँ उसके डायरेक्ट प्राइस से शुरुआत करता हूँ, तो मैं इसके प्राइस है 28 मिलियन डॉलर, लगभग इंडियन रुपीज़ में हो जाते हैं 210 करोड़ रुपये। तो मैं आज आपको इसके फीचर्स के बारे में बता के बोर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप भी सोचिए 210 करोड़ की कीमत वाली कार में क्या कमी हो सकती है। पर इसके कुछ नए फीचर्स हैं जो सिर्फ इसी गाड़ी में आते हैं, किसी और गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगे, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन एलिमेंट से। तो इसका डिज़ाइन जो है वो जे क्लास यॉट से इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। अब जे क्लास जो यॉट है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल यॉट थी टाइम की, और ये भी उसी तरीके से बनाई गई है। पर रोल्स रॉयस की ओरिजिनल पोर्टेल सबसे पहले 1932 में बनाई गई थी, वो भी एक कपल के लिए थी, और उसका रिवाइज्ड मॉडल बनाया गया है 2021 में। और अब इसकी बात करूँ लेंथ की, तो लेंथ हो जाती है इसकी 5.9 मीटर्स, लगभग 6 मीटर्स के करीब। अगर आप बैठे हो कहीं पे तो आप भी सोचो लगा के हिसाब कि 5.9 मीटर्स कितना होगा। फीट में बताऊँ तो हो जाता है 19.34 फीट, लंबी जितनी ये कार है। इसके पीछे की तरफ एक स्लोपिंग लाइन इनकॉर्पोरेटेड फूड एंड टैग दिया हो गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लासी लुक देता है इसे। और नीचे की तरफ और साइड की तरफ काफ़ी ज़्यादा नए डिज़ाइंस हैं, अलग तरह का डिज़ाइन बनाया गया है, पूरा यॉट से इंस्पायर्ड है। हॉरिजॉन्टली माउंटेड टेल लाइट दी गई है पीछे की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा वजन बढ़ रहा था इसका, तो इसकी वजह से इसमें कार्बन फाइबर का यूज़ भी किया गया है। पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे साइड सील्स और फ्रंट रियर बम्पर में कार्बन फाइबर का यूज़ है। इसमें आपको 2 रेफ्रिजरेटर मिल जाते हैं, 2 फ्रिज मिल जाते हैं, मतलब आपको जिसमें से एक दोनों की एबिलिटी जो है वो जल्दी से जल्दी ठंडा करने की है किसी भी बॉटल वगैरह को। और इसमें आपको एक यूनिक अम्ब्रेला मिलेगा जो कि आपको हेल्प करेगा। और इसमें दो जो फ्रिज हैं उसमें हर तरह की फ्लास्क बनाए गए हैं हर किस टाइप की बोतल को रखने के लिए, और आपको कंफर्टेबल राइड देने के लिए। अब इंटीरियर्स की बात करूँ तो इंटीरियर ज़्यादा डिफरेंट नहीं है रोल्स रॉयस का, मतलब जितनी भी सारी रोल्स रॉयस हैं उनका इंटीरियर सबसे बेस्ट होता है, तो इसलिए उन्हीं के जैसा है। पर इसके कुछ प्लेंटी यूनिक फीचर्स हैं जो कि सिर्फ इसी कार में आते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की, जिसको बनाया गया ज्वेलर्स और वॉच मेकर्स की हेल्प लेकर। तो इसमें कुलीचो नाम की टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो इसको बिल्कुल ही क्लासी है, एकदम फैशनेबल, और बिल्कुल मतलब सिल्वर गोल्ड वगैरह से बनाया गया है अच्छे से। और इसमें कस्टम मेड डैशबोर्ड है। इसके पावर ट्रेन को रिवील नहीं किया है अभी रोल्स रॉयस ने, मतलब इसमें अभी बताया नहीं गया है कौन सा इंजन है, कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं। पर इसके जितनी भी सारी बातें करूँ तो अब आपको इसका दोबारा प्राइस बताने वाला हूँ। तो इसका प्राइस है 210 करोड़ रुपए। मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, क्योंकि जब मुझे पहले पता चला था तो मैं भी थोड़ा हैरान हो गया था। पर रोल्स रॉयस अपनी महंगी कारों की वजह से ही जाना जाता है। रोल्स रॉयस ने पिछले मतलब 2017 में अपनी स्वेप्टेल को भी रिवील किया था, वो भी उस टाइम की दुनिया की सबसे महंगी कार थी। पर इसके आने जाने के बाद अब दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस पोर्टेल है। तो आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन जान के? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी और कार का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको गाड़ी महंगी लगी या सस्ती। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।